वक्त की बड़ी खबर, कानपुर हिंसा पर चार आरोपियों को पेशी के लिए ले जाया जा रहा है। हयात जफर हाशमी की आज कोर्ट में पेशी है, उसके साथ साथ कुल चार आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। इन सभी पर कानपुर में दंगा भड़काने का आरोप है। अब तक 36 नामजद आरोपियों में से 24 को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो चार मुख्य आरोपी हैं इन्हें कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा है। कानपुर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो दिन पहले कानपुर में प्रदर्शन किया गया था जुमे की नमाज के बाद और उस दौरान जम करके पथराव किया गया था, तोड़फोड़ की गई थी। रिमांड मांगेगी जिससे कि पूछताछ किया जा सके और उसके बाद उन जगहों पर लेकर जाएगी जहां जहां साक्ष्य छुपा कर रखे हैं, क्योंकि पुलिस ने इनके पास से फोन बरामद किए हैं, व्हाट्सएप चैटिंग बरामद की है, इसके अलावा तमाम साक्ष्य बरामद किए हैं। कई जो बैंक अकाउंट है उसके पासबुक भी इसके पास से बरामद हुए हैं और साथ ही वो आरोपी भी मौजूद है जिसके पास ये सभी जाके छुपे हुए थे लखनऊ में, जावेद जिसका नाम है, उसको भी पुलिस कोर्ट लेकर पहुंची है जहां पर कोर्ट में उनकी पेशी चल रही है। रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेशी चल रही है। तस्वीरों में मैं दिखाऊं तो देखिए कोर्ट के बाहर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती है, सीआरपीएफ, आरएएफ, तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो तैनात किए गए हैं। जिला पुलिस भी तैनात है। बस कुछ ही देर में डिसाइड हो जाएगा कि कितने दिन की रिमांड मिली है। देखिए 14 दिन की रिमांड पुलिस मांगेगी मजिस्ट्रेट से कि 14 दिन की रिमांड दिया जाए, क्योंकि तमाम सबूत इकट्ठा करने हैं पुलिस को, तमाम साक्ष्य इकट्ठा करने हैं, वो साक्ष्य जो कि हिंसा में ये सभी शामिल थे। इसके अलावा काफी जो लोग हैं उनकी भी पहचान हो चुकी है। जब पुलिस इनसे रिमांड पर ले लेगी, इनसे पूछताछ करेगी तो वीडियो दिखाए जाएंगे इनको, उन वीडियो में भी पहचान कराई जाएगी कि कौन लोग हैं, कौन ये लोग थे जो मीटिंग में शामिल थे, कौन कौन लोग हिंसा में शामिल थे, क्योंकि मास्टरमाइंड है जफर हाशमी जिसने पूरी हिंसा को किया है, जिसने पूरी हिंसा को कारित कराया है। इसके ऊपर कई मुकदमे पहले से भी दर्ज हैं। सीए और एनआरसी हिंसा में भी ये शामिल था। इसके अलावा तमाम ऐसे बवालों में ये शामिल रहा है जिससे कि कानपुर ये जलाने की कोशिश कई बार कर चुका है। और सबसे खास बात बनता है तो इसकी वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी थी कि जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कानपुर में मौजूद रहेंगे उसी वक्त ये हिंसा कराएगा जिससे कि उसको उसका जो मैसेज है वो दूर तक जाएगा। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के रहते ये हिंसा कराने की इसकी पूरी प्लानिंग थी और इसने हिंसा करा भी दिया। लगातार फेसबुक पर पोस्ट वायरल कर रहा था, मैसेज वायरल कर रहा था, इसने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था जिसमें तमाम जिहादियों को जोड़ा था और उसके माध्यम से ये लोगों को बरगला रहा था, हिंसा कराने की इसकी कोशिश थी। ये उस व्हाट्सएप ग्रुप में तमाम ऐसे वीडियो जिसने डाले जो कश्मीर के पत्थरबाजी के जो वीडियोज होते हैं वो वीडियो जिसने उसमें ग्रुप में डाले थे उन वीडियो को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसके अलावा तमाम साक्ष्य पुलिस को और भी मिल चुके हैं। पीएफआई कनेक्शन भी पुलिस को लगभग पता चल चुका है और पीएफआई एंगल से भी पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। फंडिंग की भी अब जांच की जा रही है। पुलिस ने इसके कई पासबुक जब्त किए हैं जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजा भी गया है जिससे कि इसके पूरे खाते की डिटेल पता चल सके। कोर्ट में देखिए पेशी हो तो एक ओर कानपुर हिंसा के आरोपियों को अदालत में पेश किया जा रहा है, चार आरोपियों को अदालत में पेश किया जा रहा है और वही और भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। कानपुर हिंसा से जुड़ा हुआ राजस्थान के बूंदी में एक मौलाना मुफ्ती नदीम ने धमकी दी है कि जो भी पैगंबर की शान में गुस्ताखी करेगा उसकी आंख नोच लेंगे, हाथ काट लेंगे, इस तरह की बयानबाजी की है। बीजेपी ने मौलाना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ज्यादा लंबा चौड़ा कोई बयान नहीं करना, तीन जुमले बोलने हैं। पहला जुमला ये कि सस्ती शोहरत के खातिर ये जो भी कुछ करता है इंसान सस्ती शोहरत के खातिर करता है। अफसोस की बात यह है कि उनके वालों में तो इतनी ताकत ही नहीं है कि उन्हें इज्जत और शोहरत दिलवा दे। अगला जुमला ये कि अगर ये शोहरत के लिए जिस तरह किया जा रहा है, अगर मामला ये है कि साहब ये चीज कानूनी तौर पर सही है तो फिर हम ऐसे कानून के खिलाफ भी जाएंगे। और अगर कानून के खिलाफ है तो एक बात तवज्जो से सुन ले, चाहे वो बूंदी जिले का प्रशासन हो चाहे पूरे देश की हुकूमत हो, तवज्जो के साथ इस बात को सुन ले कि अगर मेरे आका की शान में गुस्ताखी उसने की है जो कि की है, और अगर कोई और भी करेगा तो इस बात को कान खोल कर सुन ले, उस पर एक्शन ले ले। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो मुसलमान रिएक्शन देगा, और मुसलमान जब रिएक्शन देता है तो तवज्जो से सुने, तारीख उठाकर देख ले,
जब जब जिस कौम के खिलाफ मुसलमानों ने रिएक्शन दिया है उनके लिए जमीन रब्बे जुलजलाल ने तंग फरमा दी, वो दौड़े दौड़े फिरते रहे, उन्हें जमीन का एक टुकड़ा तक नसीब नहीं हुआ। तो अगर तुमने एक्शन नहीं लिया तो फिर हम रिएक्शन देंगे, और ये कोई गुजारिश उजारिश नहीं है, खुली चेतावनी है। पूरी दुनिया का मुसलमान उठेगा, हिंदुस्तान का मुसलमान उठेगा, बूंदी शहर का मुसलमान उठेगा, और अपने आका की नामूस के जो शान में गुस्ताखी की है उसका बदला हम लेना जानते हैं। सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे। तुम मुझे गाली दो, बर्दाश्त है। तुम मेरे वालिदैन को गाली दो, बर्दाश्त है। तुम मेरे खानदानों को बुरा कहो, बर्दाश्त है। लेकिन मेरे नबी की शान में अगर एक लफ्ज भी बोला तो याद रख लो, जबान काट ली जाएगी। हाथ उठाओगे, हाथ काट लिया जाएगा। उंगली उठाओगे, उंगली काट ली जाएगी। अगर निगाहें भी उठी ना तो निकाल कर बाहर फेंक देंगे। हजरात गिरामी कद्र, फिर उसके बाद तुम चाहो तो हमें जेल में डालना, तुम चाहो तो लाठियां बरसाना, हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त न करेंगे। बूंदी के मौलाना मुफ्ती नदीम का भड़काऊ बयान हिंसा की धमकी दी है, सीधे सीधे खुले तौर पर हिंसा की धमकी दी है। कानपुर हिंसा के बाद के आरोपियों को अदालत में पेश किया जा रहा है, और इस बीच भड़काऊ बयान सामने आया है बूंदी के, राजस्थान के बूंदी के मौलाना मुफ्ती नदीम का, और बीजेपी ने इस भड़काऊ बयान देने वाले मौलाना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कानपुर से चार आरोपियों को अदालत लेकर पहुंचने की खबर आ रही है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जफर हयात हाशमी समेत चार आरोपियों को अदालत में पेश किया जा रहा है, कोर्ट में इनकी पेशी होगी अब से कुछ ही देर में। इनकी रिमांड मांगेगी पुलिस, सबूत इकट्ठा करेगी। इनके खिलाफ कई सबूत मिले हैं, कई वीडियोज मिले हैं, और अब इनके आधार पर इनकी रिमांड मांगी जाएगी। कानपुर को जलाने की कोशिश जिन लोगों ने की है उन्हें अदालत से उनमें पेशी की उनकी की जा रही है, और अब कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें सजा दिलाई जाएगी। कुल 36 नामजद आरोपी हैं, और चार को जो मुख्य आरोपी हैं उन्हें अदालत में पेश किया जा रहा है, और दो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अदालत में पेशी, दूसरी तस्वीर वो चार चेहरे जिन्होंने कानपुर को जलाने की पूरी साजिश रची की है कोर्ट के सामने, और ये तस्वीरें सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अदालत से। कानपुर में कोर्ट में पेश किया जा रहा है जफर हयात हाशमी समेत चार लोग जिन्होंने शुक्रवार को कानपुर में हिंसा भड़काई, पूरी प्लानिंग के तहत दंगा भड़काने की कोशिश। अगर हम बात करें तो अभी दो और आरोपी हैं जिनको यहां से ले जाया जाना है, लेकिन बीच आपको बता दें कि दो आरोपी हैं जिनको जो है यहां से ले जाया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, लगातार हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। और बता दें कि अभी दो आरोपी जो है वो यहां से रवाना हो गए हैं, अभी दो और आरोपी हैं उनको भी यहां से लेकर जाया जाएगा। आपको हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए बिल्कुल अभी पूछते हैं, चूंकि देखिए अभी कोर्ट में नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि देखिए दो और आरोपी हैं जो अभी अंदर मौजूद हैं, तो और उनकी गाड़ी भी यहां पर लग गई है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं कि बस अगले कुछ मिनटों के बाद आपको दूसरे जो दो और आरोपी हैं उनकी भी फोटो आपको जो है तस्वीर जो है वो हम दिखाएंगे। और ये देखिए कोर्ट रूम के ठीक बाहर की तस्वीर है, तो ऐसे में यहां पर फिलहाल आपको बता दें कि कोर्ट रूम से बाहर जो है इस वक्त जो है निकलने की तैयारी की जा रही है दोनों और आरोपियों को। हाशमी जो है वो यहां से रवाना कर दिया गया है, कोतवाली थाने की जो गाड़ी थी उसमें हाशमी था और उसके साथ साथ एक और आरोपी था। अब फिलहाल यहां से दो और आरोपी जो है उनको यहां से निकाला जा रहा है, तो फिलहाल अभी कुछ देर के बाद क्लियर हो पाएगा कि अभी क्या रिमांड मंजूर हुई है कि नहीं। तो इन सब तमाम चीज़ों को लेकर फिलहाल ये कह सकते हैं कि बस इंतजार किया जा रहा है, बस कुछ ही देर के बाद जो है आरोपी जो है वो यहां पर निकलेंगे। और आपको देखिए हम बिल्कुल सबसे सामने का जो गेट आपको दिखाई पड़ रहा होगा वहीं से आरोपियों को लेकर पुलिस रवाना होगी। तो फिलहाल पुलिस की गाड़ी जो है वो गेट पर लग गई है, बस इंतजार किया जा रहा है कि दोनों आरोपियों को बाहर निकाला जाए, चूंकि देखिए दो आरोपी जो है वो पहले निकल गए हैं, तो ऐसे में अब जो दो आरोपी हैं उनको निकाले जाने की तैयारी की जा रही है। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि बस अगली जो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे वो उन दो आरोपियों की होगी, और अब फिलहाल 14 दिन की जो रिमांड है वो मांगी गई है, लेकिन अभी क्या कुछ जो है कहा गया है ये देखने की बाकी है। लेकिन लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और कोशिश करते हैं अपने कैमरा सहयोगी से लगातार, चूंकि हम तस्वीरें दिखा रहे हैं वो दो और आरोपी हैं जिनको
यहाँ पे लेकर जाया जाएगा। गाड़ी लग चुकी है, बस इंतजार किया जा रहा है। और अब आपको देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए थोड़ा सा हलचल तेज हो चुकी है और अब पुलिसकर्मी जो है वो अब यहाँ पर थोड़ा सा तेजी दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब कि अब यहाँ पर इन दोनों ही जो है आरोपियों को जो है ये कह सकते हैं कि जो हाशमी जो है वो यहाँ से निकला है और हाशमी के साथ एक और आरोपी जो है वो निकल गया है। दो और आरोपी जो है वो इस वक्त अंदर है, उनको यहाँ से जो है बाहर ले जाने की तैयारी है। यहाँ से सीधे जो है गाड़ी बैठाया जाएगा। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है, चूंकि देखिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी किसी तरह से कोई चूक ना हो इसका विशेष ध्यान रखने के लिए कहा गया है। और इस बीच लगातार जो पुलिस के जो जवान हैं वो इस वक्त जो है लगातार दिखाई पड़ रहा है। और ऐसे में कहा जा सकता है कि ये तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार पहली तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब आप देख सकते हैं कि बस कुछ ही देर के बाद जो है यहाँ पर जो है सक्रिय। तो अब आपको देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए बिल्कुल तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इस वक्त जो है बस देखिए आरोपी जो है ये देखिए आरोपी यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। दो और आरोपी हैं जिनको यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। और आप तस्वीर देख सकते हैं, ये देखिए ये तस्वीर है, इसी गाड़ी से पुलिस की इस गाड़ी से जो है आरोपियों को लेकर जाया जा रहा है। और आप वो बता दें कि देखिए ये गाड़ी है जिसमें से आरोपियों को जो है यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। और आप ये तस्वीर देख सकते हैं, ये तस्वीर है, देखिए ये आप देख सकते हैं इस गाड़ी से जो है थाने की गाड़ी से आरोपियों को लेकर गई है पुलिस, मतलब चारों आरोपियों को जो है यहाँ से लेकर जाया गया। अब कोर्ट में क्या कुछ हुआ है ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि कोर्ट में क्या कुछ मंजूर किया गया है। तो अपने कैमरा से पूछाएंगे कोर्ट की तरफ चलेंगे, क्योंकि देखिए आप बता दें कि कोर्ट में क्या कुछ किया है, क्या कितने दिन की रिमांड जो है मंजूर की गई है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। चूँकि देखिए बात करें तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि तमाम जो वकील हैं वो अंदर मौजूद हैं, तैनात है, RAF तैनात है। सीधे तौर पर कह सकते हैं कि सीधे तौर पर क्या कुछ हुआ है ये जो है तस्वीर हम दिखाएंगे। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि पहले जो है अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं कि कितने दिन की रिमांड हुई है। तो देखिए फिलहाल तमाम इसकी पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। हम देखिए बिल्कुल पूछ सकते हैं सर कितने दिन की रिमांड मंजूर हुई, बाहर करा देंगे, अभी बाहर करा देंगे, मैं आके दे दूंगा सर, एक बाहर आके दे दूंगा, ऑफिशियल जानकारी दे दीजिए, मैं पेपर लेके आऊंगा। 14 दिन की जो आपने मांगी थी, 14 दिन अभी सर आ रहे हैं, क्या रिमांड पे भेजे या जेल में भेजे? जेल गए। तो देखिए जेल गए हैं, ये देखिए आपको बता दें बड़ी खबर है, जेल गए हैं, कहना है जेल गए हैं, तमाम जो आरोपी हैं उनको जेल भेज दिया गया। तो ये देखिए ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि जेल जो है वो भेज दिया गया है, रिमांड मांगी गई थी लेकिन शायद रिमांड मंजूर नहीं हुई है और सीधे जेल जो है वो भेज दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आप जो तो चारों आरोपियों की पेशी हुई है, पुलिस सबसे थोड़ी देर में आधिकारिक तौर पर यह जानकारी देगी कि रिमांड की जो अर्जी थी वो मंजूर हुई है या नहीं। संवाददाता विशाल पांडे इस बड़ी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, चार आरोपियों की कोर्ट में पेशी की गई है और अब से थोड़ी देर में साफ होगा कि उन्हें उनकी रिमांड दी गई है या नहीं पुलिस को। इन चारों के बारे में क्या जानकारी मिल रही है, कानपुर में हिंसा भड़काने में इनका क्या रोल रहा है, बड़ी खबर आ रही है। विशाल आपके पास लौटेंगे इस वक्त की बड़ी खबर, कानपुर हिंसा आरोपियों को जेल भेजा गया है, बड़ी खबर आ रही है। कानपुर हिंसा के आरोपियों को, चार आरोपियों को अदालत में पेश किया गया और चारों को जेल भेज दिया गया है। विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, आरोपियों को जेल भेजने की बात की जा रही है, इसके क्या मायने हैं? देखिए यहाँ पर क्योंकि आज छुट्टी का दिन है और स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस ने इन चारों आरोपियों को पेश किया है जिन्हें आज जेल भेजा गया है। हो सकता है पुलिस कल एक बार फिर से रिमांड के लिए कोर्ट में अर्जी लगाए और इनकी रिमांड पुलिस 14 दिन की फिर से मांगे और इनसे आगे की पूछताछ पुलिस करेगी, क्योंकि हयात जफर हाशमी और जो साथ में तीन अन्य आरोपी हैं इनकी भूमिका सबसे ज़्यादा संदेह में है कि इन्हीं लोगों ने पूरा साजिश के तहत माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, क्योंकि 3 जून से पहले कितने दिनों के लिए जुडिशियल रिमांड भेजा गया था? ये जो है प्रमोद कुमार जी हैं, उनका कहना है कि जो है जो न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो रिमांड है वो है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे, प्रमोद कुमार अधिकारी हैं और इनका कहना है कि 14 दिन के लिए जो है अभिरक्षा में भेज दिया गया है, लगातार जानकारी जो है वो दे रहे हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अब जो जानकारी सामने आ रही है वो इस पूरे मामले को लेकर, तो इस बीच जो है प्रमोद कुमार जी हैं अजय पाल जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर कितने दिन का क्या क्या कुछ मैं देखो संजीव वो बताएंगे, प्रमोद डीसीपी ने भेज दिया क्या? हाँ हाँ उनका रिमांड हो गया, रिमांड हो गया, रिमांड 14 दिन का वही बैठ दे रहे हैं वो बताएंगे। देखिए अजय पाल शर्मा जी हैं, कहना है कि रिमांड हो गया है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ है, प्रमोद जी हैं वो थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे पुलिस लाइन में। हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि देखिए वो अंदर मौजूद थे,
वो देखिए यहाँ पर जो है ये ध्यान जा रहे हैं। सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल थोड़ा सा स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि अजय पाल शर्मा कहना है कि रिमांड मिल गई है और यहाँ से सीधे जेल भेज दिया गया है। इसके साथ साथ तमाम चीज़ें हैं, हालांकि ये अभी थोड़ा सा इंतजार करना, थोड़ा बाहर आ गया, 14 दिन के लिए आगे और बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर, कानपुर हिंसा के 4 आरोपियों को 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। जफर हयात हाशमी जो कि मुख्य आरोपी है कानपुर में हिंसा भड़काने का, उसके समेत 4 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 14 दिन की रिमांड में भेज दिया है। पुलिस इस दौरान उनको साथ लेकर के सबूत जुटाने की कोशिश करेगी, किस तरह से हिंसा भड़काई गई, किस तरह कानपुर को जलाने की साजिश की गई, हथियार इकट्ठा किए गए, पत्थर इकट्ठा किए गए, पेट्रोल बम से हमला किया गया था शुक्रवार को। अब इस मामले में आरोपियों का हिसाब किताब होगा, उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए जाएंगे। 4 आरोपियों को 14 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। इसमें मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी भी है, वो शख्स जिसने बंद की कॉल दी थी, वो शख्स जिसने की जेल भरो का आंदोलन की चेतावनी दी थी और लोगों को इकट्ठा किया और बाद में खुद जाकर के ये कह दिया कि उसने बंद की कॉल वापस ले ली है। बाद में फरार हो गए थे ये लोग और इन सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुल 36 नामजद आरोपी हैं, इनमें से 4 की जो 4 मुख्य आरोपी हैं उनकी अदालत में पेशी हुई, 14 दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया है। प्रोड्यूस करने के बाद में जो उनका रिमांड है वो कितने दिन के रिमांड, 14 डेज का रिमांड मिल गया सभी 4 को। हाँ जी, तो देखिए अजय पाल शर्मा जी हैं, हमसे बात कर रहे थे, उनका क्या कहना है कि सभी को कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था और सभी को जेल भेज दिया गया। 14 दिन की रिमांड जो है उन 4 आरोपियों की मिल गई है। हम सुपर एक्सक्लूसिव, थोड़ा बाहर आ गया, 14 दिन के लिए आगे और बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, तो 14 दिन के रिमांड पर भेजा गया है और इस रिमांड को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। पुलिस से अभी अभी जानकारी मिली है जी न्यूज पर। इस वक्त की बड़ी खबर, कानपुर हिंसा के 4 आरोपियों को 14 दिन की रिमांड। एक डिबेट के दौरान बीजेपी प्रवक्ता की ओर से दिए गए बयान के खिलाफ कानपुर में सड़कों पर उतरे लोग और सुनियोजित तरीके से हिंसा भड़काई गई। जुमे की नमाज के बाद जिस तरह से ठेलों पर भर करके पत्थर लाए गए, वहां जो हिंदू घर थे, दुकानें थी, उनको निशाना बनाया गया और इस मामले में मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी समेत 4 आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जिन्हें 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस इस रिमांड अवधि के दौरान उनको साथ लेकर के सबूत जुटाएगी और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को पुख्ता करेगी। मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी जो कि हिंसा के बाद फरार हो गया था, लखनऊ में छिपा हुआ था, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अब अदालत में पेश किया है। और आज की 2 बड़ी खबरें, कानपुर हिंसा के 4 आरोपियों की पुलिस रिमांड, वहीं मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई की भी पेशी हो रही है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जिसके गैंग पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोप लग रहा है, उसकी भी अदालत में पेशी हो रही है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।